नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आसाराम को छटका नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। उच्चतम न्यायालय ने कथावाचक आसाराम बापू की दुष्कर्म के दो मामलों में दायर जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी और साथ ही छोटी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने के कारण उन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना और प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश भी दिया। आसाराम ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसके लिए उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट भी दी थी जिसे न्यायालय ने फर्जी करार दिया। न्यायालय ने आसाराम के स्वास्थ्य पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बोर्ड से 10 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी थी जिसे अस्पताल ने दाखिल कर दिया था। इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने कहा कि इससे साफ है कि आसाराम की हालत पूरी तरह ठीक है, इसलिए स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। सरकार ने भी आसाराम की जमानत का विरोध किया था। इससे पहले राजस्थान सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि आसाराम के वकीलों ने जमानत मामले में जेल अधीक्षक का फर्जी पत्र लगाया है जिसके अनुसार आसाराम की हालत खराब होने की बात बताई गई। उल्लेखनीय है कि आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में है। किशोरी ने आसाराम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जोधपुर के निकट स्थित मनाई गांव में बने आश्रम में उसका यौन उत्पीड़न किया था। ये नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में आईईडी विस्फोट में निर्दोष महिलाओं की मौत से व्यथित 195 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। मायावती ने कहा बसपा सवर्ण एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीबों को आरक्षण दिए जाने की समर्थक। फ्रांस की आयरिस मिते ने बनी मिस यूनिवर्स, भारत की रोशमिता हरिमूर्ति अंतिम 10 में भी शामिल नहीं। अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह को मिला लखनऊ से भाजपा का टिकट। बीएमसी चुनाव में भाजपा का साथ छूटा, अब करीब आ सकते हैं उद्धव और राज ठाकरे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।